हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह का समय, सुबह का 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, पर बाहर में तेज़ धूप है तो लग रहा है 10 बज रहा है, पर अभी सुबह 7 बजे का टाइम है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं कर रही हूँ पूजा। पूजा करने से पहले मंदिर साफ़ करूँगी। अब फूल तोड़ के लक्की ला के रख दिया लक्की ने, तब फूल मैंने डलिया से निकाल दिया, उसी में पूजा का बर्तन निकाल दूँगी, क्योंकि बर्तन को बाहर ले जाके साफ़ करते हैं, तो इसी में सब डाल लूँगी। अब मंदिर को पूरा, मतलब कि सामान बाहर निकाल दूँगी, उसके बाद अच्छे से साफ़ करूँगी। ज़्यादातर तो ऐसे ही सफाई होता है, मंदिर का पूरा सामान बाहर निकाल देते उसके बाद करते, क्योंकि मेरा मंदिर छोटा सा है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा सामान भी नहीं है, वो जल्दी हो जाता है। तो जो भी सामान रहता है वो सब बाहर निकाल देती हूँ, उसके बाद अच्छे से इसको साफ़ कर देंगे। उससे पहले मैं बर्तन साफ़ करके लेके आऊँगी। वहीं बाहर में सूर्य भगवान को भी जल चढ़ा दूंगी, तुलसी जी को भी जल चढ़ा दूंगी, शनि महाराज का। हालांकि इधर उधर हो रहा है सब, थोड़ा सा मुझे सेट करना है। आज होगा तो आज कर दूंगी, नहीं तो फिर कल तो करना ज़रूरी है, क्योंकि अब पूरा साफ सफाई हो गया है, आंगन का भी पूरा काम कंप्लीट हो गया है। वो भी आपको दिखाऊँगी, पर अभी नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि अभी बाहर में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रहा है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर जल्दी से अपना पूजा करके मैं अंदर आऊँगी। सुबह सुबह के समय में बाहर में धूप रहता है तो आंगन में जाने का मन नहीं करता है। इन दिनों बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रहा है, जैसे सुबह से धूप शुरू हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है जब बादल आता है, बहुत जगह तो बारिश हो रहा है, पर मेरे यहाँ बारिश नहीं हो रहा। इस बार हुआ भी कम है, जितना होना चाहिए उतना बारिश नहीं हुआ है। तो मैंने बाहर का पूजा कर लिया, बर्तन सब साफ़ करके ले आई हूँ। अभी मंदिर का अच्छे से सफाई कर दूँगी, सब भगवान जी का फ़ोटो पोंछ के मंदिर में लगा दूँगी। पहले मंदिर को पोंछ साफ कर दूँगी, उसके बाद सब फ़ोटो को लगा दूँगी। पहले घर का सफाई कर देते हैं, घर का सब काम कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। तो आराम से स्थिर से पूजा होता है घर का सब काम कंप्लीट होने के बाद। केवल नाश्ता बनाने का काम ज़्यादातर मैं छोड़ देती हूँ, कभी कभार जैसे लेट होता है तो तैयारी करके छोड़ देती हूँ, नहीं तो बाद में पूजा करने के बाद नाश्ता बनाने का काम करती हूँ, क्योंकि मेरे हमेशा से यही रूटीन चलता आया है। क्योंकि सुबह किसी का आदत नहीं, नहाने से पहले कोई भी पानी भी नहीं पीता है। अब तो फिर भी कभी कभार चाय पी लेते हैं जैसे मौसम अच्छा रहता है, नहीं तो पीयूष लकी भी है वो पानी भी नहीं पीते, नहा धुआ लेते उसके बाद ही, जैसे कुछ खाना या फिर दूध पीना जो भी करते हैं वो नहाने के बाद ही करते हैं। इसीलिए सुबह नाश्ता बनाने का मुझे उतना हड़बड़ी नहीं रहता है। फिर पीयूष लकी का स्कूल जो है वो 10 बजे के बाद ही जाते हैं, वो 10 बजे के बाद मतलब 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है, उससे पहले आराम से मैं अपना नाश्ता बना देती हूँ। आज तो पीयूष को स्कूल भेजना भी नहीं है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि उसका बीच में तबीयत खराब हो गया था तो बीच में लेके आना पड़ा, तो सब ने फिर मना कर दिया कि 1-2 दिन छोड़ दो, उसको आराम करने दो, क्योंकि वैसे तो उसका तबीयत ठीक हो गया है पर थोड़ा सा कमजोरी है, उसी चलते उसको चक्कर ज़्यादा आता है। तो आज फिर स्कूल नहीं भेजूंगी, फिर देखूंगी कल से अगर उसका तबीयत ठीक हो जाएगा तो भेज दूंगी, क्योंकि अभी भी वो दवाई ले रहा है। अब पीयूष स्कूल नहीं जाता, फिर लक्की का भी जाना नहीं होता है। अब पीयूष लक्की स्कूल नहीं जाएंगे तो मैं उनकी पसंद का आज नाश्ता बना के दे दूँगी, क्योंकि उतना हड़बड़ी नहीं, आराम से बना दूँगी। वैसे भी मेरे यहाँ पीयूष लक्की को नाश्ता करने का उतना नहीं रहता है कि हाँ मम्मी जल्दी बना के दो, ज़बरदस्ती देना रहता है। हाँ, उनकी पसंद का बनाऊँगी तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, पर वही है कि मैं आराम से बनाऊँगी तो फिर नाश्ते का खाने का एक साथ हो जाएगा। अभी पहले पूजा कर लेती हूँ आराम से, मंदिर का सफाई हो गया है। वैसे तो आज बहुत दिन बाद मैं आज सुबह से रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूजा का, क्योंकि उतना आराम से हो ही नहीं पाता है। कम से कम हफ्ता भर से काम चल रहा था तो सब काम हड़बड़ी में होता था, जल्दी जल्दी में होता था। Thank you.
मंदिर को मैंने अच्छे से सजा लिया है। उसके बाद मैं पहले भगवान जी का आरती कर दूंगी, सब जगह आरती दिखा दूंगी पूरा घर में। सुबह भी जब आरती करते हैं तो सब जगह दिखा देते हैं, शाम में भी करते हैं। आप सब भी आइए, भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ देखिए कितना अच्छे से मंदिर सजा दिया है। हालांकि ये कमाल ज़्यादातर लक्की का रहता है, वो फूल जहाँ तहाँ से तोड़ के लेके आता है जैसे तैसे करके। अब तो सब फूल मेरे यहाँ घर में लगना शुरू हो गया है, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। पहले ब्लू वाला फूल नहीं लगता था, अब तो वो भी हो गया है। थोड़े दिन बाद तो ये पीला वाला भी लगना शुरू हो जाएगा। इसके बाद सीधे मैं आ गई हूँ किचन में। हालांकि तुरंत नहीं आई थी मैं, बाहर में बैठ के मैंने तैयारी सब कर दिया है। बहुत देर बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये शायद 10-10:30 बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि तैयारी मैंने लगभग सब कर दिया है। सूजी भी भिगो के रख दिया था, उसके बाद चटनी का भी तैयारी करके छोड़ दिया था। चना दाल भी पहले भिगो के छोड़ दिया था, उसके बीच में मैंने तैयारी किया है। दाल है तो दाल थोड़ा सा मुझे बनाना है, तो लास्ट में बनाऊँगी, क्योंकि ऐसे तो सब कोई तो खाते नहीं, केवल उसके पापा खाते हैं, तो वो लास्ट में बनाऊँगी। पहले मैं इडली और चटनी बना दूंगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 15-20 मिनट में सब काम हो जाएगा। पहले इडली चढ़ा के छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं चटनी बना दूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर दिन का भी मुझे खाना नहीं बनाना होगा, इसी में सबका हो जाएगा। एक तो लेट से हो रहा है, तो एक बार खा लेंगे तो फिर शाम तक भूख नहीं लगेगा। और दूसरा पीयूष लक्की का फेवरेट है, तो उनको जब भूख लगेगा मन होगा तो दो दो उठा के ऐसे ही खा लेंगे, कोई चीज़ का जरूरी नहीं रहता है। चटनी भी दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं ज़्यादा करके बनाऊंगी। कितना ज़्यादा बनाऊंगी वो तो आप देख भी लेंगे। बीच में आ गया फ़ोन। वैसे मैं काम करती हूँ तो अपना फ़ोन का भी काम साथ में मेरा चलते रहता है, जैसे कभी कभार वीडियो का भी करती हूँ, कभी किसी का वीडियो चला के रखना होता तो वो भी कर देती हूँ। देखना बहुत कम हो पाता है तो मैं चला के रख देती हूँ, लास्ट में फिर कमेंट कर देती हूँ। तभी बीच में फ़ोन आ गया तो मैं बात भी कर रही हूँ और वीडियो भी चालू करके छोड़ दूँगी। मेरा ज़्यादातर ऐसे ही चलता है, मैं कोई भी काम करते जाती हूँ फ़ोन में भी बात कर लेती हूँ। अब फ़ोन में बात करते करते में काम जल्दी होता है, अब कोई बात करने वाला नहीं होता है तो लास्ट में फिर गाना चला लेती हूँ, फिर काम करने में मन भी लगता है। आज तो पीयूष लक्की अभी घर में है तो उतना ज़्यादा नहीं है, पीयूष लक्की जब स्कूल चले जाते हैं तब ज़्यादा रहता है। ऐसे तो ज़्यादातर मैं केवल चना दाल का ही चटनी बनाती हूँ। चना दाल को पहले सेक के भिगो देती हूँ 2-3 घंटा पहले। आज नारियल रखा हुआ था, उसी दिन का नारियल रखा हुआ है, बहुत बड़ा सा नारियल था उस दिन का, तो ऐसे तो कोई जल्दी से खाता नहीं है, फ्रिज में ऐसे रखा हुआ था। तो इसमें मैं लहसुन प्याज कुछ डालती नहीं हूँ, क्योंकि ये प्रसाद का नारियल है, वैसे भी चटनी में मैं कभी नहीं डालती हूँ, इसीलिए मैंने नारियल डाल दिया है। ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा सा डाल दिया है।
खट्टा के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ दही, क्योंकि इसको दो बार पीसना होगा, एक बार में नहीं होगा। अब मैं चटनी का तैयारी कर रही हूँ। लाइट जा रहा है, कभी आ रहा है, आपको देखने से भी शायद समझ में आ रहा होगा। और लाल मिर्च सूखा वाला जो होता है वो भी इसी के साथ पीस लूँगी। हरा वाला नहीं डाल रही हूँ, सूखा वाला डाल दूँगी। छोंक में भी डालूँगी, एक दो इसमें भी डाल दिया पीसने के लिए, तो उसमें भी हो जाएगा। लाइन चला गया, जहाँ मैंने मिक्सी लगाया है लाइन चला गया है। तो यहाँ इन्वर्टर का लाइन नहीं है, बाहर में है, मतलब कि गेट के आगे में है, तो वहीं लगा के मुझे पीसना होगा। जैसे कभी कभार पीस लेती हूँ, मिक्सी चला लेती हूँ मैं इन्वर्टर से, ज़्यादा ज़रूरी रहता है तब। अभी उस लगे भी इंतज़ार कर रहे हैं, इडली भी बन गया है, केल चटनी को पीसना है और छोंक लगाना है, तो बाहर रख के मैं पीस लूँगी। और जहाँ मैंने मिक्सी बाहर लगाया वहाँ लाइन आ गया है, तभी उधर रखने का भी कुछ समझ में नहीं आता है, इधर रखने का समझ में आ जाता है, आराम से हो जाता है। वहाँ जुगाड़ लगाना पड़ता है या फिर बरामदा में जो चौकी लगा हुआ है उसी पर रख के करना पड़ता है, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए लाइन आ गया है। तो मैं अंदर ले आई हूँ, इडली भी बहुत अच्छे से बन गया है, बहुत अच्छा फूला भी है। थोड़ी देर के लिए इसको बंद करके छोड़ दूँगी, ठंडा होने दूँगी, उसके बाद निकालूँगी, क्योंकि गर्म गर्म जब निकालते हैं तो टूटता है, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद निकालते हैं तो बहुत आराम से निकल भी जाता है। सबसे पहले मैं इडली निकाल के कहीं भिजवाना है वहाँ भिजवाऊँगी, उसके बाद पीयूष लक्की को खाने के लिए दूंगी, क्योंकि पीयूष तो अभी है नहीं मेरे पास में, अपने पापा के साथ गया है। लक्की है मेरे पास में, तो लक्की बोल रहा है पहले मम्मी निकाल के दे दो, उसके बाद हम सब खाएंगे आराम से। तो पहले निकाल के दे दूंगी। अब उनको भी दाल नहीं देना है, केवल चटनी देना है, क्योंकि वहाँ भी चटनी ज़्यादा पसंद आता है दाल से ज़्यादा। दाल केवल पीयूष के पापा को पसंद आता है, तो इसलिए मैं लास्ट में बनाऊँगी, थोड़ा सा बनाना है। अब पीयूष के पापा अभी खाएंगे अभी नहीं, तो पहले चटनी और इडली बना के वहाँ भी भिजवा दूँगी, पीयूष लक्की को दे दूँगी। नारियल मैंने थोड़ा सा डाला है, खूब सारा बच गया है, तो इसको रख दूँगी फ्रिज में। हालांकि मैं वो डालने वाली थी दोबारा, जब मैंने पीसा तब डालने वाली थी, पर मैं भूल गई। खूब सारा चटनी मैंने बना लिया है, दो डिब्बा में पीसा है। ये जो बर्तन है वो आधा से ज़्यादा है, इतना सब्जी बनता है जितना मैंने चटनी बनाया है, क्योंकि मेरे यहाँ पीयूष लक्की को ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये आज भर चलेगा, कल फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि आज भर दिन भर इसी को खाएंगे। नई इडली होगा तो ऐसे भी खा लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने मिर्ची भी ज़्यादा नहीं डाला है, नमक ऊपर से डालूंगी, नमक मैंने डाला नहीं। दो सूखा वाला लाल मिर्ची लिया था वो इसके साथ मैंने पीस दिया है, एक दो है जो छोंक में डाल दूंगी, क्योंकि कड़ी पत्ता का जब छोंक लगाते हैं तभी चटनी का टेस्ट और बढ़ जाता है। आजकल तो कड़ी पत्ता बहुत दिन से मैंने फ्रिज में मंगवा के रखा हुआ है, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रही कि मुझे इडली बनाना है, केवल टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज थोड़ा फ्री हुई हूँ तभी बनाया है। अभी पूरा अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है, इसलिए निकालने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। पूरा अच्छे से ठंडा हो जाता 5-10 मिनट छोड़ देती हूँ तो उतना नहीं होता है।
हालांकि पहले वाला निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, थोड़ा सा चिपक रहा था, बाद वाला आराम से निकल गया है, अलग की थाली लेके खड़ा हो गया है, क्योंकि पहले ये दे के आएगा उसके बाद इसके लिए बनेगा। हालांकि मैंने इसको बोला है कि पहले तुम दोनों खा लो उसके बाद दे आना, पर इसका ही बोलना है कि नहीं पहले दे आता हूँ उसके बाद हम खाएँगे, क्योंकि वहाँ भी कोई भी चीज़ बनता है तो यहाँ पहले आता है, कोई भी चीज़ अच्छा चीज़ बनता है या तो पीयूष लड़के अपने से बोल के बनवाता है, वहाँ जाके बोल देता है कि हमको ये खाना है, अब बन भी जाता है पीयूष लड़के के बोलने पे। मतलब कोई कोई ऐसा सामान आता है जो मैं नहीं बनाती हूँ वही बनता है, या फिर वहाँ नहीं बनता है जो मैं बनाती हूँ तो मैं भी भिजवा देती हूँ। यहाँ देखिए कितना सारा मैंने चटनी बनाया है, एक कटोरी भर के वहाँ दे दूँगी, उसके बाद सब पीयूष लड़के को खाना है। थोड़ा बहुत जो होता है मैं खाती हूँ, फिर उसके पापा चटनी खाते नहीं, वो दाल खाते हैं, क्योंकि चटनी में दही मैंने डाला है वो खट्टा हो जाता है, ऐसे वो दही खा लेते हैं, पर जैसे कोई चीज़ में खट्टा डाल देते हैं तो उनको खट्टा पसंद नहीं है। कढ़ी भी मैं जब बनाती हूँ, जब ताज़ा दही रहता है उसी का बनाती हूँ, पानी मिक्स करके, ज़्यादा खट्टा नहीं बनाती हूँ। रायता भी खट्टा नहीं बनता है, क्योंकि मेरे यहाँ खट्टा बहुत कम खाया जाता है, दही डाला है फिर उतना ज़्यादा खट्टा नहीं, फिर भी उसके पापा नहीं खाएंगे। आप सब यही खा लीजिए, लक्की आप सबको पूछ रहा, हालांकि मैंने बोला नहीं है पर इसका आदत हो गया है, कोई भी चीज़ बनता है तो ये सब पहले आप सबको पूछता है। लक्की जब तक दे के आएगा तब तक मैं दूसरा वाला बना दूंगी, क्योंकि एक बार में टाइम लगता है, दोबारा में फिर टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट में बन के तैयार भी हो जाता है। यहाँ प्लेट लग चुका है, आप सब भी आइए खा लीजिए। इसी के साथ वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो जरा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।